गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। किसी ने अक्सर कमेंट में पूछा है कि सर आजकल आप थोड़े दुखी दिखते हो, क्या कारण है, आप क्या दुखी हो? तो एक्चुअली मैं दुखी नहीं हूँ। दो कारण है बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो क्या है कि इस समय चूंकि क्रैश हम लोगों का कोर्स वोर्स खत्म होने को होता है, क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सारा हमारा काम चल रहा होता है थोड़ा सा, और इस समय क्या होता है सडनली पेशेंट भी बढ़ जाते हैं कई बार के, तो वो सारे काम को मैनेज करते करते वक्त कम मिलता है। तो उसके बावजूद हम जो है अपना डेली रूटीन मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं कि वॉक पर जाने की कोशिश करते हैं, वर्कआउट की कोशिश करते हैं, के टाइम पे खाना खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समहाउ जो है नींद थोड़ी कंप्रोमाइज जाती है। ठीक है, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो है वो बराबर 6 घंटा नींद ले पाऊँ, लेकिन कभी कभी नहीं पॉसिबल होता है वो। तो वो दुख नहीं है वो। हाँ, एक बात का दुख जरूर होता है कि कोरोना की सिचुएशन दोबारा से रेज होने लगी है, उसके चलते क्या होता है बहुत सारे फ्यूचर प्लान होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम 1 साल 2 साल पहले कर चुके होते वो भी अटक गए। दूसरा, कई सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाकर वहाँ मुझे बोलने का मौका मिलता था, वहाँ लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता था, वो सब एकदम से ख़त्म हो गया है। पता नहीं, एक खाली खालीपन जिसे बोलते हैं ना, कि जिसे बोलते हैं एक उदासी जो होती है ना, कि आपने काम को लेके एक मोनोटोनी जो होती है वो होती चली जा रही है एक्चुअली। क्या मतलब आप मुझसे, मैं सच बिल्कुल सच मतलब ट्रूली आपसे बोलूँ तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मतलब जो मशीन होता ना, मशीन के समान, ठीक है, तो वैसा फीलिंग आने लगा है कि मतलब रोज का वो एक जैसा फिक्स काम है जो आपको करना है। मतलब पहले के क्या था कि क्रिएटिविटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, अभी आपको कॉन्फ्रेंस में बोलना है आपको, फिर आपको मतलब धीमे धीमे, और समहाउ क्या होता है कि स्टाफ भी बॉम्बे के अंदर, तो आपको पता ही, आप गूगल कर लीजिए, जब भी कुछ होता है सबसे पहले बॉम्बे में होता है। तो कोरोना कुछ हुआ तो बॉम्बे में हल्ला मच जाता है, ये बंद वो बंद, क्या तो पैनिक वाले कंडीशन आती है। तो समहाउ जो है वो देखो, मैं भी आखिरकार हूँ तो इंसान है, तो थोड़ा बहुत असर डालती चीज़ें वो, लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी ये चीज़ें नॉर्मल हो। मतलब मुझे तो ये समझ में आया इस कोरोना क्राइसिस के बाद कि हमारी सामान्य जिंदगी, कि हम मिल सकें, किसी से मिलने जा सकें, हम फ्रीली घूम सकें बाजार में जाके, हम घबराए बगैर हम मॉल में जा सकें, हम घबराए बगैर हम जो है मेले छोटे छोटे मेले होते थे ना पहले, उनको जैसे बॉम्बे में हम क्या बोलते हैं मेले को, बोलते हैं कि भाई वो अपना एग्जीबिशन सॉर्ट ऑफ हुआ करते थे यहाँ पे, क्या कि भैया फला फर्नीचर एक्सपो हो गया ये, और छोटे शहरों में क्या होते हैं मेले होते हैं कि वहाँ जा सकें हम। पता नहीं, एक अजीब सा हो गया कि अभी भीड़ में जाने में आदमी जो है वो घबराने लगा। अब आप बोलोगे सर हम तो उत्तर प्रदेश में रहते, हम तो मानने से मना कर दिए, हम तो बोल दिए कि नहीं भैया हमारे यहाँ तो लोग ये सिद्ध कर दिए, यदि सिद्धम कोरोना जो है एक अफवाह है। अब कैसे, अब दुनिया पूरी परेशान है तो ऐसे अफवाह कैसे मान लेंगे भाई, हम तो हमारे रिलेटिव भी खोए हैं उस बीमारी से। ठीक है, तो इसलिए मुझको खुद को हुआ। तो मतलब समहाउ जो है एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो, उदासी मत बोलिए उसको, उसको बोलिए कि समहाउ एक होता ना कि एक थोड़ा सा आपको मोनोटोनी जो बोलते हैं उसे बोलते हैं हम, ठीक है ना, मतलब कि एक जैसा एक सार जिंदगी टाइप का वैसा फील आने लगा है। ठीक है, आप थोड़ा सोचा है कि 2-4-6 दिन अभी कोर्स पूरा हो जाएगा, 2-4 दिन 6 दिन जो है हम एक प्रकार से ब्रेक मारेंगे, अभी 4 दिन हम कोई काम नहीं करेंगे, कोई काम चार पहले से कर जाएंगे काम, 4 दिन हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हरे पौधे पत्ती के पास रहेंगे, चिड़ियाओं की आवाज़ सुनेंगे, ताकि एक प्रकार से मोनोटोनी ब्रेक हो। ठीक, ये तो मैंने बताया। अब आपको चलो आज की कहानी पर तो बात करना जरूरी है ना, आप बोलोगे सर आपकी कहानी थोड़ा सुनने आए थे, अब कि आप कैसा लग रहा है आपको, मैं तो हमेशा पूछता हूँ रोज आपसे कि आप लोग कैसे हैं। अब सुनिए बात, एक बार एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, सुनो कहानी अच्छी है। ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और वो काफ़ी मतलब बड़े प्रेम से बहुत दिनों से साथ रह रहे होते हैं, मतलब काफ़ी ओल्ड हो चुके होते हैं। ओके, हस्बैंड को बड़ी चिंता रहती है, उसको लगता है कि मेरी वाइफ मुझे कई बार जो है वो मैं कुछ बोलता हूँ, कुछ उससे पूछता हूँ, जवाब नहीं करती है, जबकि पहले कभी ऐसा था नहीं। वो हस्बैंड सोचता है कि जब से तो कुछ पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरी वाइफ जो है जो मैं कहता हूँ उसका जवाब नहीं देती है, कुछ पूछूँ तो उसका जवाब भी नहीं देती है। मतलब प्रॉब्लम शायद से ये सुनने की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी में ऐसा कोई झगड़ा तो है नहीं है कि भाई हम नहीं सुनेंगे एक दूसरे के, कि भाई गुरिल्ला वार के जैसा है कि नहीं सुनना तुम कौन हो मैं कौन हूँ, ठीक है, नहीं सुनना, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, पर ऐसा होता है कई जगह पर, तो ऐसा नहीं है तो बोलता है, इसलिए हम लोगों में ऐसा नहीं है, तो इसलिए जो है वो पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। वो अपने फैमिली डॉक्टर से बोलता है कि भैया मेरी वाइफ जो है वो मतलब कुछ बोलता हूँ पूछता हूँ जवाब नहीं कर दे पाती वो। तो डॉक्टर बोलता है कि मस्ट बी देयर इज एज के कारण कई बार हियरिंग पावर कम हो जाता है, तो हो सकता है कि उसको सुनने की क्षमता पे कोई असर पड़ता हो, तो हम हियरिंग एड लगवा देंगे, कान में जो सुनने वाली मशीन होती है ना हियरिंग एड्स, वो लगवा देंगे, तुम चिंता मत करो, पर एक टेस्ट कर लो।
वो बोलता है अभी कैसे, मैं उसको बोलूंगा कि जो है वो डॉक्टर साहब के पास चला, तुम बहरी हो गई हो तो गुस्सा कर जाएगी वो। डॉक्टर बोलता नहीं, मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ तुम सीधा मेरे क्लिनिक ले आओ उनको, पहले तुम अपने लेवल पर टेस्ट कर लो। कैसे टेस्ट करूँ मैं? ऐसे करना, जब वो तुम्हारी वाइफ कहीं कुछ काम कर रही हो कहीं होना, तो तुम उससे 40 फीट दूर जाना। कितना? 40 फीट दूर जाना। 40 फीट दूर जाकर नॉर्मल वॉइस, जैसे नॉर्मल हम किसी से बात करते हैं, ऐसे कुछ पूछना उससे। यदि वो जवाब दे देती है तो मतलब उसका सुनने का पावर ठीक है, नहीं देती है तो क्या करूंगा, तो 30 फुट आना, 10 फुट आगे आना, फिर उसी प्रकार से उससे वही क्वेश्चन पूछना। जवाब देती है नहीं देती है नोट करना उसको, ठीक है। फिर नहीं, तब भी नहीं दिया तो 20 फिट आना, 10 फिट आना, धीमे धीमे आगे आते जाना और वो सेम क्वेश्चन रिपीट करते जाना। और ऐसे करके जो है वो तुम देखना कि कहाँ उसने जवाब दिया, जितनी दूरी पर उसने जवाब दिया वो नोट कर लेना, मुझे बता देना, तो मैं एक अंदाजा लगा लूंगा कि इनको किस पावर का हेयरिंग एड चाहिए पड़ेगा, इनको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, क्या करना पड़ेगा। वो कहता ठीक है। उसी संडे जो है वाइफ घर में जो है वो कुछ पका रही थी किचन में, तो किचन उसके किचन से जो है वो थोड़ा सा किचन से बाहर निकलते, कई लोग घर में लॉन सा होता है, तो एक लॉन होता है, तो वो नापता है पहले 40 फुट दूर हुआ कि नहीं हुआ। 40 फुट दूर से अपनी वाइफ से पूछता है वो, डियर आज खाने में क्या बना है? कोई जवाब नहीं आता। वो कहता है 40 फिट दूरी पर कोई जवाब नहीं, नोट करता डायरी में, 40 फिट दूर नो रिस्पॉन्स। फिर वो 30 फिट आता है, 10 फिट आगे आता है, 30 फिट दूरी पर आता है, फिर पूछता है डियर आज खाने में क्या बना है? नो रिस्पॉन्स। बोलता है यार पक्का मेरी बीवी बहरी हो गई है। फिर 20 फिट पर आता है वो, आगे जाता है, 20 फिट की दूरी पर रहता है, फिर पूछता है डियर आज खाने में क्या बना है? कोई रिस्पॉन्स नहीं। नोट करता है, अरे कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर 10 फिट दूरी पर रहता है, पूछता है डियर खाने में क्या बना है? कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो लिखता है कि मतलब 40 फिट पे कोई रिस्पॉन्स नहीं, 30 फिट पे कोई रिस्पॉन्स नहीं, 20 फिट पे कोई रिस्पॉन्स नहीं, 10 फिट पे कोई रिस्पॉन्स नहीं। 4 बार मैं पूछ चुका हूं, 5वीं बार अब वो बिल्कुल वाइफ के पास आता है, पूछता है डियर खाने में क्या बना है? अब 2 फिट दूरी पे है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। लिखता है 2 फिट दूरी पे भी रिस्पॉन्स नहीं। बड़ी दया आती है उसको कि मेरी बीवी तो भारी भारी बह रही है, इतनी बह रही है मेरी बीवी की, मतलब कि मैं जो है वो मैं चलिए कैसे काम कर रही होगी ये, तो बड़ा बुरा लगता है उसको कि मैं तो अपनी वाइफ की सेहत का ध्यान ही नहीं रख पाया। ठीक है, 5 बार चेक कर चुका वो, 40 फिट पे, 30 फिट पे, 20 फिट पे, 10 फिट पे, 2 फिट पे। अब बिल्कुल बीवी के कान के पास आके बोलता है डियर खाने में क्या बनाए आज? बीवी गुस्से से पलट कर देखती है उसकी ओर और बोलती है सुनो जॉन, मैं छठी बार तुमसे बोल रही हूं कि चिकन बन रहा है, मैं ऑलरेडी 5 बार तुमको बोल चुकी हूं कि चिकन बन रहा है, चिकन बन रहा है, चिकन बन रहा है, अब तुमने पूछा और तो मैं तुमको पका दूंगी इसमें। अब आदमी की समझ बात आई कि दादा प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे सुनने में है। ठीक है, तुम उसको चेक कर रहे थे 40 फिट से, 30 फिट से, 20 फिट से, 10 फिट से, 2 फिट से, कान में जाके बोले तो वो बोली हट से जॉन छठी बार बोल रही हो कि चिकन बन रहा है, नहीं आप पूछा तो बता ही दिया मैंने आपको, है ना, जो जो यूजुअल आंसर होता है घर में। तो कहने का मतलब यह है कि यही हमारी जिंदगी पर लागू होता है। समटाइम्स वी ऑलवेज फाइंड प्रॉब्लम इन पीपल्स, हमको लगता है कि ये आदमी में प्रॉब्लम है, हमको लगता है उस आदमी में प्रॉब्लम है, हमको लगता है इसमें प्रॉब्लम है, हमको लगता है मेरे दोस्तों में प्रॉब्लम है, मेरे रिलेटिव में प्रॉब्लम है, मेरे भाई में प्रॉब्लम है, मेरी बहन में प्रॉब्लम है, सब में प्रॉब्लम है। बट वेयर इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, वेयर इज द एक्चुअल प्रॉब्लम? इनसाइड यू। याद रखिए बेटा, अपने आप, मैं हमेशा कहता हूं अपने आप को कभी किसी से कम मत समझिए, लेकिन अपना इंट्रोस्पेक्शन करना कभी बंद मत कीजिए। वी सब, जैसे मैं हूं आपको, अब आप बोलोगे सर आप तो, आप में तो कोई कमी होगी नहीं। नहीं बेटा, मेरे में बहुत कमी है। मैं कई बार मैं तेज गुस्सा करता हूं, जनरली मुझे गुस्सा कम आता है, पर कई बार यदि मुझे लगता है ना कि कोई चीज मैं बोल रहा हूं जो रिलेवेंट है, सही है जो, और उसको कोई नहीं मान रहा है, मुझे गुस्सा आता है और वो बहुत तेज गुस्सा आता है। मैंने धीमे धीमे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखा। मैंने जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, नया नया पास आउट हुआ था, मैं बहुत गुस्सा करता था, एकदम गुस्से में रहता था, जरा कुछ आया तो एकदम गुस्से में आ गया क्या। तो मैंने अपने गुस्से को धीमे धीमे कंट्रोल करना सीखा। मैं जो है मेरे मुझमें जैसे कि कहा था कि जो है मतलब
somehow मैं क्या था, कई बार मुझे कोई आदमी ऐसा लगे मुझे कि जो गलत बोल रहा है या उसकी जो बात सही नहीं है, तो मैं कई बार बहस कर लिया करता था लोगों से, मैं बहस कर लेता था लोगों से। मैंने गौर किया कि बहस मैं करता हूँ, बहस करके मैं जीत भी जाता हूँ पर मैं उस आदमी को खो देता हूँ। मैंने अभी बहस करना बंद कर दिया। तुम्हारा यकीन है कि ये सही है तो तुम मान लो उस यकीन को, मेरा यकीन है ये सही है तो मैं वही मानूंगा, ठीक है। मुझे तुम्हारे ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या सोचते हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क ये पड़ता है कि क्या सही है उस पर, वो मैं जो। अरे तुम सही हो तो मैं तुम्हारे तुम्हारे से ग्रास करूंगा, तुम गलत हो तो आई एम नो बडी, मैं एक बार बोल सकता हूँ आपसे लेकिन उसके बाद मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता हूँ। फिर तीसरा मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मैं जनरली लोग कई बार पहले क्या था, मैं शुरू शुरू की बात है कि मैं पहले लोगों के बारे में ओपिनियन ले लेता था कि ये गलत है ये सही है, इससे ऐसे बात कर नहीं, मैंने लोगों में नेगेटिविटी लेना छोड़ दिया। मैंने ये देखा कि उनमें क्या क्या क्वालिटी है उनमें, ठीक है, क्या क्वालिटी, उसको मैंने फोकस करना शुरू किया मैंने, ठीक है। तो हमेशा मैंने पॉजिटिव एंगल की ओर देखा। मैंने ऐसा नहीं है मैं लोगों की मदद करता हूँ, कई बार मुझे लोगों की मदद के बदले में जो है वो धोखा भी मिलता है मुझे। मैं बता भी चुका हूँ एक आध बार कभी कि मैंने कुछ लोगों की मदद किया, उसके बदले मुझे जो है वो जो मुझे जो मिला उसके बाद फिर मैंने उसको रेक्टिफाई भी किया, लेकिन मैंने फाइनली देखा कि जो डिसलॉयल लोग हैं वो डिसलॉयल ही रहेंगे, आप उनके उनके मन को नहीं बदल सकते आप। ऐसा मेरे साथ हुआ एक्चुअली, ऐसा मैंने देखा। और आपको तो मैंने ऐसा बड़े यूथ स्टूडेंट्स में भी देखा मैंने ऐसा कि आप कुछ भी जान निकाल के रख दीजिए उनको तो वो उसका मोल लगा लेंगे कि सर ने यदि जान निकाल के सामने रखी है ना, इसके पीछे सर के पीछे का पर्पस ये रहा होगा, क्योंकि वो वैसे हैं, क्योंकि वो वैसे हैं। तो मैंने कहा कि उनके उन पर मैं अपनी ज़िंदगी को नहीं डिपेंडेंट करूंगा, मेरी ज़िंदगी की धुरी अलग घूमेगी। तो कई बार क्या होता है कि हम, इसलिए मैं कहता हूँ आपसे, कमियां हम सब में हैं और हमारा कर्तव्य यह है कि उनको पहचान कर हम उनको दूर करें। यदि हमारे सबसे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, इसका मतलब पहले हमको अपने अंदर छटटोलना पड़ेगा कि क्या ऐसा है जो हम नहीं करते उनके अकॉर्डिंग। और यदि आपको आपके अंदर से आवाज़ आती है ना कि जो आप नहीं करते वो सही है, तो मत चेंज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे सिर्फ कब जुड़ते हैं, जब सफल आप सफलता जब मिले तब जुड़ते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग है ना जो है आप जैसे पीछे ट्रेल होने लगते हैं, आप ट्रेल होने लगते, पीछे होने लगते हैं आप। लोगों ने मुझे से अभी आपको बता दूं मैं एक बड़ा सिंपल सा कि अभी हाल ही में जो है वो मुझे किसी ने कहा कि से बायोमेंटर्स को यदि और आगे बढ़ाना है ना तो पेड स्पामिंग करानी पड़ेगी और इसमें बहुत सारे स्पामर आपको करने पड़ेंगे। वो तमाम लोगों ने आइडिया दिए बहुत सारे कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कहीं कोई चल रहा हो वहाँ जाके बायो। मैंने बोला ये सब तो बिल्कुल नहीं करेंगे अनइथिकल काम। उन्होंने कहा सर कैसे काम चलेगा। मैंने कहा देखो ऐसा है कि जीवन में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कई बार जब आप किसी सही राह पर होते हैं ना तो सही राह पर कई बार आपको अप्स एंड डाउन मिलते हैं, ठीक है, और तभी आप अपनी सच्ची मंजिल तक पहुंचते हैं। यदि कोई राह बहुत आसान दिख रही है ना तो मानकर चलिए उस राह के आगे कोई बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है कहीं पर। मैं अपनी पूरी टीम मेरी टीम मुझे मुझे एक जो है वो कहती है कि हमको ऐसा करना चाहिए। मैं बोलता हूँ नहीं, हम कुछ भी हो जाए हम उसूलों को हमारे हमारे सिद्धांतों को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कारण ये है कि जब हम आईने के सामने होंगे ना तो हम अपने आप को हमको आईना हमको बोलना चाहिए कि तू सही आदमी भाई, तू सही आदमी है, क्योंकि हम अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, तो मैं लाइफ में कहता हूँ कि हमको कई बार बड़ी नेगेटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन हमको उससे बचना है। हमको ये है कि जो सही रहा है ना, भगवान राम जो है जंगलों में घूमे थे, भगवान राम जो है उनके पास रावण से युद्ध करने के लिए इक्वलिटी पे कुछ था ही नहीं, उनके पास बराबर लेवल पे कुछ था ही नहीं उनके पास में, लेकिन जीत राम की हुई थी। कष्ट हुआ उनको, वक्त लगा उनको, समय लगा उनको, कठिनाइयां बहुत सामने आई उनके, लेकिन जीत राम की हुई। बस हम सब के अंदर राम है बेटा, और एक रावण भी है हमारे अंदर। वो कहता है रैपिड सक्सेस मिलेगी, राम कहते हैं भटकना पड़ेगा, कभी कभी कुछ खोना पड़ेगा, प्रिय लोगों से दूर रहने का विरह भी सहना पड़ेगा, लेकिन तुम जो बाहर निकलोगे ना राम बनकर निकलोगे, दुनिया तुम्हें पूछेगी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बेटा। चलिए आज बहुत लंबा हो गया है ना, तो हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट।